हेलो एवरीवन, तो आज मैं बना रही हूँ चाउमीन जो बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार। तो आज मैं आपके लिए चाउमीन की रेसिपी लाई हूँ। उसके लिए मैं ये चाउमीन को बॉईल कर ली हूँ नमक और तेल डालकर, और ये बहुत अच्छे से बॉईल हो गया देखिए। तो मैं यहाँ पर ये छोटे वाले जो सोयाबीन होते हैं इसको भी मैंने बॉईल कर लिया है पानी में। मैं सबको बॉईल कर ली हूँ क्योंकि आपको मैं जल्दी से छोटी सी रेसिपी बनाकर दिखाऊं, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करूं। और ये मेरे चाउमीन बॉईल हो गए। तो इधर देखिए मैं इसमें क्या क्या यूज करने वाली हूँ। तो मैं इसमें यूज करने वाली हूँ आधा शिमला मिर्च, दो टमाटर, दो प्याज, धनिया की पत्ती और तीन हरी मिर्च। तो मैं ये सबको पहले बारीक चॉप कर लेती हूँ, बारीक नहीं मतलब मैं पतला पतला पहले इसको मैं काट लेती हूँ, फिर आगे बनाऊंगी। और वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही टेस्टी चाउमीन बनने वाली है और बहुत ही यमी मेरे स्टाइल में। तो मैंने यहाँ पर सब्जियाँ चॉप कर ली है, प्याज को मैं ऐसे पतले पतले काटी हूँ, और ये जो शिमला मिर्च है इसको मैं चॉप कर ली हूँ, इससे चॉप कर ली हूँ क्योंकि शिमला मिर्च अगर बड़े बड़े रह जाए तो अगर आप बच्चे को दे रहे हो तो वो छाट छाट के अलग कर देंगे, लेकिन अगर आप ऐसे बना रहे हो तो बच्चे शिमला मिर्च बिल्कुल नहीं छाटेंगे, वो साथ में खा लेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर मिर्ची भी मैंने चॉप कर ली है, और मैं यहाँ पर पेस्ट वेस्ट कुछ भी यूज नहीं कर रही हूँ, सॉस वॉस कुछ भी नहीं, जो मेरा है सब यही है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को भी चॉप कर लिया है जो मेरा टमाटर सॉस का काम करेगा, तो मैं इसको भी चॉप कर ली हूँ। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ, आप जिस भी तेल यूज करते हैं आप वही तेल यूज करिएगा। तो मैं पहले सोयाबीन को भूंजूंगी, पहले मैं सोयाबीन को भूंज कर निकाल लूंगी, फिर उसके बाद मैं अपनी सारी सब्जियां भूंजूंगी। तो मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है, मैं अपने ये डाल देती हूँ। तो मैं गैस का फ्लेम तेज कर दी हूँ और इसको अच्छे से भूंज लेती हूँ। तो मैं सोयाबीन को अच्छे से भूंज लूँगी एकदम लाल होने तक, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये देखिए मेरा बस भूंज आ गया है, अब मैं इसको निकाल लूँगी और फिर जो मेरी बाकी सब्जियां हैं उसको मैं भूंज लूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मेरा तेल गर्म हो गया है, मैंने फिर से तेल डाला है और उसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च, और फिर उसके बाद मैं अपने शिमला मिर्च जो चॉप की हूँ शिमला मिर्च वो डाल दूंगी, और इसको भी अच्छे से लाल होने तक भूंजूंगी एकदम। थोड़ा सा ज़्यादा इसको भूंजूंगी क्योंकि इसको थोड़ा सा भूंजने से ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए ये भूंजा गया है, एक बार आप मेरे स्टाइल से बनाकर देखिएगा ज़रूर, बहुत यमी टेस्टी और हेल्दी बनती है और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, घर में जो भी बड़े बूढ़े सब हैं सबको पसंद आएगी। तो मैं इसमें डालती हूँ अब अपना प्याज, प्याज को भी अच्छे से भूंज लूँगी मैं, फिर प्याज को मैं थोड़ा सॉफ्ट होने तक भूंजूंगी, फिर उसमें डाल दूंगी मैं अपने मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर और गुल की जीरा पाउडर। मिर्च तो मैंने पहले ही डाल दिया था जैसे कि शिमला मिर्च थी, लाल हरी मिर्च थी, तो मैं मिर्च ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चे खा नहीं पाएंगे और तीखा लगेगा तो बच्चे नहीं खा पाते हैं। तो इसमें मैं हल्दी डाल दी हूँ, और मैं जो टमाटर चॉप की हुई थी मैं वो टमाटर को भी इसमें डाल दूंगी। आप चाहें तो इसमें मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर टमाटर को भी अच्छे से भूंज लूँगी एकदम थोड़ा सा लाल होने तक, और ऐसे बहुत यमी बनती है। तो मैं जितने भी रेसिपी बनाती हूँ ये मेरी खुद की रेसिपी रहती है, मैं खुद ही बना बना कर सीखती हूँ बहुत सालों से, मतलब मैं खाना बना रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है खाना बनाते बनाते, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, नहीं तो मैं नहीं करती शेयर, आप लोग ही मुझे बोलते हो कि मैं अपनी रेसिपी शेयर करूँ, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे जो मसाला था सब भुंजा गया है, और मैं उसमें डाल दी हूँ अपनी कटी हरी धनिया पत्ती, फिर इसके बाद मैं अपने जो सोयाबीन को मैं भूंज कर रखी हूँ उसको भी इसमें मिला दूंगी, और इसको भी थोड़े से अच्छे से इसमें भूंज दूंगी ताकि इसके अंदर भी मसाले थोड़े चले जाएं। आप
सोयाबीन डालकर बहुत कम लोग बनाते हैं। हमारे साइड जो चौमिन वाला बेचता है वो सोयाबीन डालकर बेचता है, तो बहुत यमी लगता है। तो मैंने भी घर पर ट्राई किया, बहुत अच्छा बना और अच्छा लगता है खाने को। तो मैं ऐसी ही छोटी मोटी रेसिपी लाते रहती हूँ अपने चैनल पे, तो आप मेरे चैनल पे जाकर देखिएगा। और मैं डेली ब्लॉग भी बनाती हूँ, तो आप डेली ब्लॉग भी देखिएगा। तो मैं इसमें थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर दी हूँ। मैं बोली थी कि मैं कोई सॉस ऐड नहीं करूँगी, लेकिन मेरे पास सोया सॉस रखा था, तो मैं सोची थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, तो इसलिए मैंने हल्का सा ऐड किया है। और सोया सॉस डालने से नमक का थोड़ा टेस्ट ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए अगर आप शुरू में नमक डाल रहे हैं तो थोड़ा सा कम नमक डालिएगा अगर आप सोया सॉस डाल रहे हैं तो, क्योंकि सोया सॉस में नमक होता है तो वो नमक और ज़्यादा बढ़ा देता है, इसलिए मैं आपको बता दी हूँ। तो ये देखिए मेरा जो चाउमीन थी उसको मैं इसमें डाल दी हूँ, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको मिक्स करने में, आप दोनों हाथों से करेंगे ना तो बहुत आसानी से हो जाएगी। तो ये देखिए मैं दो कलछी ला ली हूँ और दोनों से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि एक से अच्छे से मिक्स नहीं होती है। और ये बहुत हेल्दी है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, बड़े को भी बहुत पसंद आती है, तो आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। और आप चैनल कैसा लगता है, मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो ये देखिए मेरी चाउमीन मिक्स हो गई है और बहुत यमी लग रही है ना। इस टाइम आप मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, वैसे ये ऐसे भी बहुत टेस्टी है, मैगी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं तो आप इस टाइम मैगी मसाला डालकर मिक्स कर लीजिए, तो बहुत और ज़्यादा थोड़ी यमी हो जाएगी। तो मेरा चाउमीन बनकर रेडी है, तो चलिए आइए खिलाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए बन गया है, तो ऐसे ही मैं बनाती हूँ घर पर और मैं अपने कुछ ट्रिक्स फॉलो करती हूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक था। तो ये देखिए मैं प्लेट में निकाल ली हूँ, बंसू को बहुत पसंद आती है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगती है, और मैं इसको ऐसे सर्व कर ली हूँ। आप इस पे रेड वाले सॉस भी डाल सकते हैं, मुझे रेड वाले सॉस अच्छे नहीं लगते हैं इसलिए मैं रेड वाले सॉस इस पे नहीं डालती हूँ। बाकी इस पे ना आप मोमोज वाली चटनी के साथ खाइएगा, बहुत यमी लगता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और बनाइए, खाइए और मेरे साथ शेयर करिए, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने बनाया कि नहीं।